काफी टाइम बाद आया हूं नाश्ते पे आए हैं। तो नाश्ता कर रहे बहादुराबाद पे, तो मैं सोचा यार व्लॉग स्टार्ट कर दूं। नाश्ते में भाई हमारे पास पूरी, चने, हलवा और हमारी फेवरेट बोतक। व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ऐसा कर लिया भाई, अभी हम जा रहे हैं मदरसे जहाँ पहले हम पढ़ा करते थे। तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि वहाँ की क्लासेस हैं हर चीज़। मदरसे जा रहा हूँ यार, तो कपड़े तो चेंज करने पड़ेंगे ना, लाजमी रहा। ऐसी बात है, पेंट शर्ट में मदरसे पे जाने से तो शलवार कमीज़ पहनते हैं फिर निकलते हैं मदरसे। शलवार कमीज़ पहन के भाई रेडी हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं मदरसे। मदरसे जाने की यार एक खास वजह है कि आपको मदरसे की लाइफ दिखानी है कि मदरसे में बच्चे कैसे पढ़ते हैं और मतलब क्या सिस्टम क्या होता है, क्लासेस और स्कूल भी है मदरसे में, बाकी ऑफिस वगैरह हर चीज़ पूरा मदरसे का। मैं आपको टूर करा दूंगा मस्जिद, मदरसा प्लस, और है भी भाई हमारा बड़ा मदरसा, वहाँ पे मदारात भी हैं। तो अच्छा ब्लॉग बनने वाला है आज का। यार एक और मजे की बात बताऊँ, आज ये सैटरडे और सैटरडे वाले दिन जब मैं मदरसे खुद पढ़ता था ना, तो सीरियसली बताऊँ एक पर्सन भी मतलब दिल नहीं करता था कि यार हफ्ते वाले दिन मदरसे जाए, क्योंकि सारे भाई बहनों की मतलब छुट्टियाँ होती थी स्कूल की और हमें खुद मदरसे जाना होता था, तो ये थोड़ा बहुत दुख होता था। लेकिन हाँ, अब हम फ्री हैं, लेकिन यार बच्चे मदरसे में आए होंगे तो अब यार वो होता है कि काश मतलब हम रोज़ जाते और मेहनत करते और अच्छा पढ़ते और कामयाब हो जाते, तो ये बाद में अफसोस होता है, दुख भी होता है। तो खैर ये सारी बातें बात की, अभी चलते मदरसे। मदरसे का गेट और अंदर घुसते ही सीधा आप पे वजू खाना आता है और रात में मस्जिद है पूरी सामने मस्जिद और यहाँ पे मज़ार है। तो पहले मज़ार शरीफ में हाजिरी देते, यही मज़ार यहाँ पे हमने मज़ार शरीफ में हाजिरी दे दी और ये है पूरी मस्जिद। मस्जिद तो खैर अभी बंद है, तो फिर भी दिखा देता हूँ मैं आपको अंदर से। भाई इतने साल पड़ा है तो इतनी तो शोर से कि मस्जिद खुलवा सकता हूँ यार मेरे को। भाई ये रही मस्जिद, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये है भाई अक्सा मस्जिद और ये बहुत बहुत बड़ी मस्जिद है और यहाँ के जो इमाम साहब है वो है मुफ्ती शफी, बहुत बड़ा नाम है उनका। ये हैं मस्जिद के खादमीन यार, माशाल्लाह। बस अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह के घर की आप सफाई करते हो बहुत खुशी होती है, सुभान अल्लाह। और भाई आपके क्या हाल है, ठीक हो, मज़े में। ये मस्जिद का पहला फ्लोर ये रहा, दो सेकंड इसका मैं आपको खोल के दिखाऊँ। इतना बड़ा सहन है, वहाँ पर एक पंखा चल रहा है क्योंकि वहाँ पर कपड़े सूख रहे। और नीचे का अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये नीचे का बना देना, देखो इतनी बड़ी मस्जिद है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बोला फर्स्ट फ्लोर और यहाँ पे है नाज़िम साहब का ऑफिस, यहाँ पे पूरा मदरसा है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। यार मदरसे में आए और हमें चाय ना मिले, यहाँ पर पूरा मदरसा और ये ऊपर मदरसे जाने की सीढ़ी और सामने वजू खाना। अभी चाय पिए तो पहले चाय का मैं आपको किचन दिखा दूँ कैसे। भाई ये है किचन और यहाँ पे बनती है सारी चाय, और ये हमारी क्लास है जहाँ मैं पढ़ता था सामने। और क्लास के अंदर तो मतलब वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, वो अभी मैं मिलते उस्ताद साहब से, यहाँ भी भाई कैमरा शूटिंग बिल्कुल अलाउ नहीं है, होती यार पॉलिसी होती है मदरसे की। तो चलते अंदर। भाई ये था आज का मदरसे का दिन, मतलब काफ़ी मज़ा आई, काफ़ी घूमे फिरे और काफ़ी टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, इस पुराने दोस्त भी मिले हमें। हमें भाई आपको आपके दोस्त मिले नहीं, सब छोड़ गए आज सब, तो मतलब आप ही निकम में अच्छा लगा। अब चलते आगे का ब्लॉग आपके सामने, कुछ प्लान नहीं किया हुआ, जो होगा आपके सामने ही होगा। 6 hours later शाम में तो हम लोग सो गए थे, अभी हमारा होगा क्रिकेट का मैच और अभी हम खेलेंगे। ये पूरी पिच है यहाँ से यहाँ तक, अभी बॉयज गए हैं यार बॉल लेने, तो बॉल लेके आते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। अभी भाई बॉल ऊपर आई है तो आपका भाई लेने आया बॉल, ये नहीं तो ऊपर से कुछ पार्क का व्यू यूँ लगता है। ओए होए, और ये मस्जिद का गुंबद, वो भाई पूरी हमारी पिच है जहाँ हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेल के भाई मैं ऊपर आया था घर में फ्रेश होने, बहुत गर्मी थी यार आज, हालांकि सर्दियाँ आ चुकी हैं, सुबह सर्दी होती है और जैसे धूप निकलती है फिर गर्मी भी पसीने, तो इसको भी मैनेज करना पड़ता है वरना फिर फेस ख़राब हो जाता है। अच्छा अभी हम जा रहे हैं नाश्ते पे, प्रैंक हो गया, चल चल प्रैंक हो गया, प्रैंक भाई हमें तो P1 पे जाना था, ये क्या दूसरी बार प्रैंक हो गया, ये सारा इस लिफ्ट का कसूर है। नाश्ते में भाई हम लोग खाएंगे बिरयानी, वो भी कहाँ की, तारी रोड की, तो चलते हैं बिरयानी लेने के लिए। गोसिया बिरयानी से हमने बिरयानी ले ली और आया था बोतल से कुछ, अब घर जाते हैं और दूध सोडा बनाते हैं और फिर बिरयानी और दूध की दाढ़ी। मैं तो भूल गया कि आज यार संडे है और संडे को है पाकिस्तान और नेदरलैंड का मैच, तो मैच ना देखने से हो सकता है। सामने चल रहा है मैच और यहाँ पर चल रही है भाई बिरयानी की पार्टी, मतलब नाश्ता, क्या सीन है यार। आओ फिर बिरयानी खाते हैं, मज़े मज़े की बिरयानी। आए आए, नसीम की बॉलिंग पे नहीं बिरयानी खाने में मज़ा आया, नसीम की बॉलिंग पे मज़ा नहीं आया।
आउट मजा नहीं आया। बात तो सही है। यहाँ पे DRS लिया जा रहा है कि आउट है और नहीं, पर हम लोग यहाँ पे बिरयानी खा रहे, खत्म भी होने वाली है। आउट नॉट आउट, क्या यार ये चौका दे दिया। नहीं नहीं अबे, जब ही तो ये लोग हारते हैं। फील्डिंग देखो कैसी कर रहे हैं, मैं होता भी रोक लेता। फील्डिंग को मजे वाली नहीं है यार। बाकी वसीम की बॉल तो अच्छी होती है, और देखो यार ये चौका खा गया फील्डर, मतलब भागा ही नहीं यार। देखो इसने पूरा पेस के साथ मारा था वहाँ पे, ये देखो बस इसने मतलब डाइव मारा था तो ये रोक सकता था, लेकिन रोका ही नहीं। वही ना यार, कोच अच्छा होना चाहिए। एक और बॉल, और ये रिजवान बड़ी अच्छी कीपिंग करता है, रिजवान को शाबाशी। मैं वहाँ पर भाई कमेंट्री कर रहा हूँ, उन्होंने यहाँ पे बिरयानी शार्ट कर दी सीधा, यू गुम। क्या यार क्या भूखे हो यार, तुम्हें शर्म नहीं आती तुम लोगों को? टेंशन वाली बात नहीं, बिरयानी और भी रखी वापस से, देखो फुल भर दी यार हमने। और भाई स्पीड गन बॉलर बॉलिंग करा रहा है यार, स्पीड गन। ये नहीं, ये नहीं, साइड पलटो। रऊफ रऊफ है, हाँ ये रहा रऊफ भाई, बॉलिंग करा रहे हैं। रऊफ भाई के ऊपर यार पूरा भरोसा है, जो इनकी पेस आता है ना, क्या बात है, क्या बात है। ये देखो पेस चेक करना अभी जो आएगा। ये देखो ये क्या भागते हुआ आ रहा है, ओए ये देखो, ये है 145 का पेस। क्या बात है यार, क्या बात है। ओवर 4 बोले 0 रन, 5 बोले 0 रन, मतलब जो बैट्समैन है ना उसकी फुल बंद करके रख लेंगे। और हमारी भाई बिरयानी फुल पहाड़ बन चुकी है, ये देखो आय हाय रायता, और मज़ा आ गया। और ये देखो सब उसको सैल्यूट कर रहे हैं, क्या बात है, वाह। मतलब बैट्समैन तो गया, उड़ गया बेचारा, देखो इसके साथ होता क्या। देखिए शेडी छा गए भाई, पहली बॉल पर आउट कर दिया। ऐसे ही थोड़ा लव है यार, शादाब खान, शादाब खान है। ये देखो तीसरा आउट, ये देखो तीसरा आउट। ऐसे प्लेयर, सीनियर प्लेयर है ना, ऐसे ही खेलते हैं। क्या मतलब आउट किया है, दो आउट करते शादाब खान, वाह। टोटल भाई 3 आउट हो चुके हैं नेदरलैंड के, और पाकिस्तान अभी बॉलिंग पे ही है, और आउट भी मेन बंदा किया है। 20 minutes later बिरयानी खाते खाते मैच देखते देखते चला गया 22 minutes के बाद में, क्योंकि इतना कुछ खास जा ही नहीं रहा। हाँ भाई शादाब खान ने काफ़ी अच्छा खेला, उसने काफ़ी अच्छा आउट किए, तो बैटिंग देखते हैं बैटिंग में क्या चल रहा है। बैटिंग वैसे आ तो गई, मतलब यार मेरे पास अल्फाज नहीं है। अभी खैर रात हो रही है, लेकिन शाम के मैच के मतलब सुबह के मैच की बात करूं, क्या खेला है पाकिस्तान ने। लेकिन यार जो रिजवान, खैर हो गया यार उसने खेला अच्छा करा, खैर जीत तो गया। बातें हारने के ओ जीतने के बाद भी यार बातें नहीं करनी चाहिए, हार जीत होती रहती है। और रिजवान ने अपने लिए खेला, जो भी खेला वो एक अलग मामला था। लेकिन हाँ अभी भाई इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच, अगर इंडिया जीत गया फिर पाकिस्तान के पक्का चांस है आने की वापसी, और अगर हार गया तो मस्त नहीं, बांग्लादेश को भी जीतना चाहिए और इंडिया को भी। अच्छा ये दोनों मैच अगर जीत गए मतलब दोनों टीमें, तो फिर पाकिस्तान वापस वर्ल्ड कप में आ सकता है। पाकिस्तान को एक मैच हारना नहीं है, हारना नहीं है ना, जैसे आज जीते अच्छी है। मतलब हमारे बॉलर आज तो बॉलर की वजह से जीते हैं यार, आज भी यही था वो 49 पे रिजवान आउट होगा, रिदम नहीं था टीम। लेकिन यार जो हमारे बॉलर्स को उनको तो सैल्यूट करना चाहिए, उनकी शाबाशी देनी चाहिए। हारिस राव वो बेचारे का यार क्या सीन था, वो मैंने कैच किया लेकिन उस वक्त मेरा रिएक्शन नहीं था, मुझे पता नहीं था। दुख होता। बाबर तो भाई बल्ले जैसा भी है लेकिन किंग है। और मतलब वहाँ का मैं मतलब कैप्चर कर रहा था पूरा सीन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी उसमें आ भी गया वो सीन, लेकिन मैंने उस वक्त रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उसके यहाँ पे लगी। मुझे लगा एक ऐसे ही मतलब अलाउ कर दी और यूँ डर गया वो, लेकिन उसको काफ़ी लगी, तो उसके लिए हमारे दिल में यार एक रिस्पेक्ट है कि यार बाहर का प्लेयर हमारी टीम के साथ खेल रहा है, उसको लग गई तो गलत है। तो भाई अभी का मैच, और अभी भी हम यहाँ पे मैच खेल रहे हैं, तो ये मैं आपको मैच दिखाता हूँ, यहाँ पे सारा मैच खेल रहा पे एक आउट हो गया। क्या यार क्या बेइज्जती करा दी मेरी, अभी मैं जाऊंगा देखना मैं कैसे खेलता हूं। वहां खेलना वहां क्या, वो बेटा सुबह ही लाए लपे मार रहा होता है, कुछ लगते नहीं नहीं आता भाई इसको खेलने, बिल्कुल भी नहीं आता। अभी मेरी बैटिंग आएगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे खेलते। ये सीन होता है चश्मे पहने हुए, इसने फिर भी अंधा हो गया, इसको एक बॉल ही नहीं देगा। अब देखिए जाके ये देखो 5 minutes later साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हरा दिया, पाकिस्तान बाहर हो गया। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या यार अफसोस हो रहा है, मतलब इतने खुश थे कि यार पाकिस्तान ने इतना अच्छा कमबैक किया था, नेदरलैंड को इतना अच्छा हराया था, और इंडिया ने मतलब हमारा साथ ही दिया। अफसोस है यार इंडिया पे, आप इंडिया नहीं हो, पाकिस्तान से ब्रेकअप हो गया, मेरा भी ब्रेकअप हो गया। पाकिस्तान अच्छी टीम थी यार, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों नहीं खेला। ये सिर्फ कराची दुबई में खेल सकते हैं, बाकी ऑस्ट्रेलिया भी नहीं खेल सकती। नहीं यार पहली टीम पाकिस्तान आएगी बाहर हो गई, देख लिया चंद दिनों हो क्या आएगी, क्या हो गई यार आज।
अच्छा वो आखिरी मैच ऐसे मजे करने के लिए, मतलब यार पाकिस्तान वाले ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। अच्छा यार किसी को अगर ऑस्ट्रेलियन तोते मंगवाने हो ना तो पाकिस्तान की टीम से मंगवा लेना। अभी यार हम लोग आए हुए गाड़ी सर्विस करवाने के लिए ये भी, तो जैसे ये गाड़ी धुल ली है ना ऐसे पाकिस्तान की टीम को धोना चाहिए, क्यों सही है नहीं है? पूरी सर्विस होनी चाहिए उनकी, इसकी तो पूरी हो रही है, उनकी डबल होनी चाहिए, उनकी डबल सर्विस होनी चाहिए, इसकी चार महीने में एक दफा हो रही है, उनकी रोज होती है भाई। इसके बाद सारी बड़ा सी निकाल दी सब आज आप पाकिस्तान के हारने पर। यार मैं आपसे बात नहीं कर रहा, वो लोगों से जो मेरा दिल टूट रहा है तब यार, मैंने तो नहीं हराया ना यार पाकिस्तान को, आ गया हो ना अभी आप हार जाओगे इस दुनिया से, मैंने तो नहीं हराया ना, इतने से मेरे कोई नहीं होगा, पाकिस्तान का दुख बहुत बड़ा है, अगर आपको कोई छोड़ के चले जाए तो उससे भी बड़ा दुख है। ये फंस गया सी है, उससे बड़ा दुख नहीं है, मतलब फिर सही है, फिर पाकिस्तान मतलब इतना तो नहीं है, वो टीम थी, मतलब वो टीम, हाँ वो 11 की टीम थी, ये 1 की टीम है। यार मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई है, ये देखो मैं दोस्त के मोबाइल से व्लॉग कर रहा हूँ, खुल ही नहीं रही है, तो व्लॉग को यार यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मूड भी ख़राब है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।